हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं कस्टम वाटरमार्क सेटिंग को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूँ और कैसे इसको ऑन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये वीवो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है, यानी कि कैमरा पर जाना है और सेटिंग पर जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा, आपको इसके ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और वाटरमार्क पर जाना है। वाटरमार्क पर जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा, आपको यहाँ पर क्या करना है, कस्टम वाटरमार्क को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद ऐड काउंटर पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि मैं अपना नाम लिख लेता हूँ रवि और सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पर एक फ़ोटो क्लिक करेंगे, तो फोटो क्लिक करने के बाद अब हमारी जो फ़ोटो है उस पर हमारा नाम शो हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप रवि हो गया है। तो इस तरीके से कस्टम वाटरमार्क पे आप कुछ भी लिखेंगे तो वहाँ यहाँ पर शो हो जाएगा फोटो पर। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।